नमस्कार आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से ममता की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी राजस्थान की फेमस सब्जी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने बेसन लिया है, ये एक बाउल बेसन है मतलब एक कटोरी, और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे अपने, जैसे कि ये हमारे मसाले हैं और ये है हमारा चम्मच। इसके हिसाब से हम एक चम्मच लेंगे नमक, ये देखिए, और ये है हमारा धनिया पाउडर, ये लेंगे धनिया पाउडर, ये है हमारा गरम मसाला, ये है हमारा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर कम लेंगे थोड़ा सा, और अब लेंगे लाल मिर्च। ठीक है, तो मसाले हमने सारे ऐड कर लिए हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा, ये देखिए आधा चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ऑयल। तो देखिए ऑयल मैंने इसमें डाल लिया है, मैंने ऑयल डाला है इसमें छोटे 2 से 3 चम्मच, ये देखिए, और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए बाइंड हो रहा है हमारा, बिल्कुल मिक्स कर लेना है इसमें ऑयल, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, देखिए, और फिर हम इसको हल्का हल्का पानी डाल के आटे की तरह गूंथते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंथ लेते हैं। ये लिया है मैंने पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना है नहीं तो ये गीला हो जाएगा, और हमें बिल्कुल इसका टाइट डो तैयार करना है। कैसे करना है इसको, इतना सा पानी लगा है हमारा, और अब इसमें पानी भी नहीं डालना है हमें, अब इसी को गूंदेंगे हम। वो हमारा तैयार हो गया है, तो देखिए 10 मिनट के मैंने लिए इसे रख दिया था, और अब हम बनाएंगे इसकी देखिए ऐसे हम लंबी लंबी इसकी फलियां बना लेंगे, ये देखिए आर की बना सकती हैं, इसको बना लेते हैं। तो देखिए गाइस पानी हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम डाल देंगे अपने ये जो हमने बनाई थी, और हमें इन्हें तब तक बॉईल करना है तब तक इनमें दाने दाने से आ जाएंगे ऊपर अपने आप ही, तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पक चुके हैं, तो हमें इन्हें निकाल लेना है। तो अभी हम इनको इसको ढक देंगे, गैस की फ्लेम कर देंगे कम, और इसको आराम से पकने देंगे। हम तेज फ्लेम पर करेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, और हमें इसको पकाना है, इस करके हम गैस की फ्लेम कम करके इसको पकने देंगे, ये अपना पकेंगे, और इनका कलर ऊपर से कुछ अलग दिखने लगेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये पक चुके हैं। तो देखिए गाइस ये ऐसे हो जाएंगे, तो मतलब हमारे ये बन चुके हैं,
तो अभी ये बन चुके हैं, मैंने गैस को ठीक कर दिया ऑफ और इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं, अब इनको हम ठंडे होने देते हैं, तब तक के लिए मसाले की तैयारी करते हैं। तो गाइस जो हमारे गट्टे थे उनको मैंने कट कर लिया है और मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। अब हम अपने जो गट्टे हैं उनको फ्राई करेंगे। तेल मेरा गर्म हो गया है, मतलब मीडियम है, अभी ज़्यादा तेज नहीं करना है, गैस का फ्लेम कर दूंगी मैं कम। और ये देखिए मैंने गट्टे कट कर लिए हैं। इसी तरह से हम अपने सारे गट्टे फ्राई कर लेंगे। कुछ लोग बिना फ्राई किए भी बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हो अगर आपको फ्राई करके नहीं बनाने हैं तो, लेकिन फ्राई करने से इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इस तरह के लिए आप फ्राई करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक ये भी होता है, अगर आप फ्राई कर लोगे तो जो हमारी सब्जी बनेगी उसमें ये गट्टे टूटेंगे नहीं, फ्राई करने से ये टूटेंगे नहीं, अदरवाइज ये टूट सकते हैं सब्जी में। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सरसों, थोड़ा सा लिया है मैंने लहसुन कुटा हुआ 10 से 12 कलियां, और 6 से 7 मिर्च मैंने हरी मिर्च ली है जो मैंने कट कर लिया है। ये बीच में डाल देंगे हम टमाटर, नहीं डालेंगे तो दही का यूज़ करेंगे। दही मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ, इसमें अच्छे से मिला देंगे। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें अपनी देगी मिर्च, एक चम्मच के करीब मैं इसमें देगी मिर्च डालूंगी, इससे कलर अच्छा आता है। एक चम्मच के करीब मैंने देगी मिर्च डाली है, देगी मिर्च डालेंगे। और ले डालते हैं मसाले में अपने प्याज वाले। देखिए हमने इसमें दही डाल दिया है, जो हमारी कटोरी थी जिसमें से हमने डाला था दही, इसको बड़ा पानी डाल के डाल देंगे। ध्यान रहे दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही हमारी घर की जैसे नॉर्मल होती है वैसी दही हो। थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया और सौंफ थोड़ी कूट कर रखी थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ऊपर से, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 1 से 2 मिनट और पकाते हैं और फिर हम इसमें अपने गट्टे डालते हैं। देखिए अब हम ऐड कर देंगे इसमें अपने गट्टे,
मसाले में इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से अंदर तक चला जाए। देखने में भी और खाने में भी ये बहुत स्वाद लगती है सब्जी। इसे पूरी के साथ खाओ, नॉर्मल आप रोटी के साथ, परौंठी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। पकाते रहना है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर कुछ लोग सूखी खाना पसंद करते हैं, जो सूखी खाना पसंद करते हैं वो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए, जिसके लिए मैं ये जो मेरा पानी है जिसमें मैंने गट्टे बॉयल किए थे ये वही पानी है, तो मैं ये पानी इसमें डालूंगी। आपको एक्स्ट्रा पानी लेने की जरूरत नहीं है, यही पानी, क्योंकि इसमें फ्लेवर आता है इसका। डाल दिया मैंने पानी। मैंने इतना पानी डाल दिया इसमें। तो अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, फिर देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं सब्जी। देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, तो डालेंगे इसमें हरा धनिया। देखिए तो मैं इसको भी सेट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।